आज हम लोग बात करने वाले हैं जीएनसी प्रो परफॉर्मेंस 100% वे के बारे में। तो अभी मैंने ये डब्बा ऑलमोस्ट पूरा यूज ही कर लिया है, तो इसके लिए मैं आप लोगों को इसके बारे में ठीक से बता पाऊंगा। लेकिन आज हम लोग इसके बारे में तीन चीज हम बेसिकली देखेंगे। फर्स्ट है इसका टेस्ट, सेकेंड है मिक्सेबिलिटी, और थर्ड प्रोडक्ट जेन्युइन है कि नहीं। तो चलो गाइस हम लोग अभी डाल के देखते हैं इसमें कैसा है इसका पानी। जैसे कि हम लोग वे के लिए ज्यादा नहीं लेते हैं, अराउंड 150 ml काफी हो जाता है वे के लिए। अगर कोई केसिन ले रहा है तो केसिन थोड़ा ठीक है, केसिन में थोड़ा ज्यादा पानी लेना पड़ता है, लेकिन वे के लिए तो इतना काफी है। इसको मैंने ऑलमोस्ट अभी पूरा डब्बा भी यूज कर दिया है, तो इसमें एक अच्छी बात है कि इसको इतना ज्यादा मिक्स करना जरूरत नहीं पड़ती है, जैसे बाकी दूसरे जो प्रोटीन होते हैं कंपेयर टू ऑन या तो फिर अपना माय प्रोटीन। मैंने दो और इसके अलावा जीएनसी के अलावा और दो मैंने प्रोटीन यूज किया है, एक तो है ये माय प्रोटीन और दूसरा है ऑन का। तो कंपेयर टू बाकी दोनों इसका मिक्सेबिलिटी तो मेरे को अच्छा लगता है। बाकी आप लोग को मैं इसको ग्लास में पोर करके दिखाता हूं, तो आपको भी पता चलेगा कि इसका मिक्सेबिलिटी कैसा है। ये देखो गाइस, लंग्स वगैरह जरा भी नहीं है। बाकी मैंने दूसरा इसका ऑन का ट्राई किया है मैंने, फिर माय प्रोटीन का किया है, थोड़े थोड़े बहुत लम्स आ जाते हैं उन दोनों बाकी के प्रोटीन में, लेकिन इसमें जरा भी ऐसा इश्यू नहीं है। तो मिक्सेबिलिटी के मामले में जीएनसी प्रो परफॉर्मेंस 100% वे तीनों में बेस्ट है, और बाद में सेकेंड नंबर पे मेरे हिसाब से आएगा ऑन, और थर्ड नंबर पे ये क्या है वो माय प्रोटीन। टेस्ट करके देखते हैं अभी हम लोग इसको। तो सो गाइस मैंने आपको बताया कि टेस्ट करके बताता हूं, लेकिन आदत से मजबूर है, पूरा ही पी गया हमें इसको। तो टेस्ट के मामले में इसमें थोड़ा सा एक बिटर टेस्ट है पीने के बाद, जो कि आप यूज टू हो जाते हो कंटिन्यू पीने के बाद। इतना कुछ ये नहीं कि खराब एकदम लगता है, पिया नहीं जा सकता, ऐसा कुछ नहीं है। और बाकी ऑन के साथ में अगर कंपेयर करोगे तो आपको टेस्ट थोड़ा सा ऐसा कम लगेगा इसका, जो बिटर टेस्ट मैंने बोला, लेकिन मुझे तो ये माय प्रोटीन से बेटर ही लगा। और फर्स्ट अगर मैं टेस्ट के मामले में अगर आप मुझे पूछोगे तो टेस्ट के मामले में फर्स्ट है ऑन 100% वे, सेकेंड जीएनसी प्रो परफॉर्मेंस, और थर्ड माय प्रोटीन वे। तो थर्ड पॉइंट है गाइस कि ये प्रोडक्ट जेन्युइन है कि नहीं मेरे हिसाब से। क्या जब भी मैंने ये इसका जो जब ये पार्सल आया तो एक प्रॉपर पार्सल में आया था, जीएनसी का जो था प्रॉपर जीएनसी इंडिया का जो पार्सल था वो था इसके साथ में। प्रोटीन के साथ एक फ्री मास्क भी मिला है।
तरीके की पैकिंग है इसकी। ये पूरा सील्ड है जीएनसी का। प्रॉपर सील है इसको, जीएनसी प्रो परफॉर्मेंस 100% वे चॉकलेट सुप्रीम फ्लेवर। बस और इसके ऊपर में यहां पे है एक सील थी, पूरा का पूरा एक सील था यहाँ पे, और उसके ऊपर एक कोड रहता है, वो वेरिफिकेशन कोड में ऑन के साथ में भी आता है, उसके साथ में जब मैंने किया था तो वेरीफाई हो गया था प्रोडक्ट। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि जो इसके साथ में जो सील आया था, जो ऑथेंटिकेशन जो कोड आया था इसके साथ में, वो मैंने अपने मोबाइल में डाला, फिर मोबाइल में डालने के बाद ओटीपी आता है, और उस ओटीपी को जब मैंने यूज किया अपने इसमें तो दिखा रहा था कि इनकरेक्ट ओटीपी। तो अगर आप लोग के साथ में भी, अगर आप लोग में से किसी ने अगर ये लिया है और अगर आप लोग के साथ में भी सेम प्रॉब्लम हुआ है तो आप लोग मुझे बताओ कमेंट करके, या अगर आप लोग का प्रोडक्ट वेरीफाई हो गया है तो भी आप मुझे बताओ, क्योंकि मेरे साथ में तो प्रोडक्ट वेरीफाई नहीं हुआ कि ऑथेंटिक है कि नहीं। मैंने इसमें बहुत बार ट्राई किया, मैं हर बार मुझे नया ओटीपी आता था, और जब मैं ओटीपी डालता हूँ तो आता है कि ओटीपी इज इनकरेक्ट। तो मुझे नहीं पता क्या इश्यू है, तो इसके लिए ये प्रोडक्ट जेन्युइन है कि नहीं ये मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट खुद का ऑथेंटिकेट नहीं हुआ। जबकि इसका जो जीएनसी मैंने लिया था, जीएनसी का केसिंग दिया था, वो मैंने आप लोग को बताया थी कि वो 100% जेन्युइन है, क्योंकि वो मैंने सेम प्रोडक्ट यूएस में भी लिया था उसका टेस्ट, और यहाँ पे जो केसिंग दिया था उसका भी चॉकलेट सुप्रीम फ्लेवर था, उन दोनों का टेस्ट बिल्कुल सेम था और सेम केसिंग था। लेकिन इसके बारे में तो नहीं बता सकता, क्योंकि इसका जो ऑथेंटिकेशन कोड जो आया था वही वेरीफाई नहीं हुआ। तो ये सीन गाइस, और यही आज का अपना वीडियो। तो अगली बार ऐसे ही किसी वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए कोकणाचा वाघ साइनिंग ऑफ।